अरे यार क्या लग रहा है आपको? अभी तो पहली बात तो हम बहुत क्लियर नहीं बता पाएंगे, तो सवेरे 7:30 बजे एक छापा पड़ा जो है काफ़ी बड़ी तादाद है, और RAF CRPF और TBI के लोग जो है, और TBI के लोग हैं सादे में है, उसको पता ही चल रहा है TBI के लोग हैं कि क्या ये और कौन लोग हैं ये जानकारी नहीं है। उन्होंने आकर पूरा घर को चादर सील कर दिया, सारे घर के फोन होल्ड कर लिए हैं और घर को चादर सील कर दिया। उनका जो जनसंपर्क कार्यालय चिकित्सक अहमद का उसको भी सील कर दिया है और किसी को घर के अंदर आने जाने नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो सरकारी जानकारी मिली है कि लखनऊ का वो देवरिया जेल का एक मैटर था मोहित जायसवाल का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने TBI जाँच का आर्डर किया था, उसी सिलसिले में ये जो है छापा पड़ा हुआ है। लेकिन किसी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए होता तो ये छापा जो है 10-15 मिनट आधा, लेकिन पिछले 3 घंटे लगातार ये छापा चल रहा है, 2.5 घंटा ज़्यादा हो गया है। तो घर के अंदर कौन कौन है? घर में उनकी पत्नी है, नाबालिग बच्चे हैं, जो होम सर्वेंट है वो है, उसके अलावा घर में इस वक्त कोई भी नहीं। तो आपकी बात हो पाई है उनसे? नहीं, घर उनकी पत्नी से हमारी बात थोड़ी थी, मुश्किल से 4-6 लफ्ज बात हो पाई थी, तभी उनके यहाँ से फ़ोन ले लिया गया था। वो लगा फ़ोन ले लिया गया, लेकर स्विच ऑफ कर दिया गया, सारे फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए गए, सारे फ़ोन लेकर होल्ड कर दिए गए हैं। इस कार्रवाई को किस तरह कार्रवाई मानते हैं आप? ये बिल्कुल मनमानी कार्रवाई है, ये कोई इलीगल कार्रवाई है, इस तरह नहीं होना चाहिए जो है। कम से कम बताना चाहिए जो है, उनको मौका देना चाहिए, कम से कम अपना वकील रखते जो है, पता चले कि ये लीगल कार्रवाई है, सर्च वारंट है कि नहीं है अदालत का। ये तो TBI का मतलब भी थोड़ा है ना कि आप घर में डकैती डाल दीजिए जाकर। इसी तरह से मनमानी आप लोग करते रहेंगे और हम लोग कम से कम एक प्रतिनिधि तो उनके साथ रहना चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिनिधि ध्यान नहीं दिया। हेलो, हाँ, और देवरिया में कांड हुआ था कि लखनऊ के रियल इस्टेट कारोबारी मोहित अग्रवाल